सब कैसे हैं? ठीक है भाई, खुशवाश हैं, अमन से हैं भाई लोग, सब रोज़े रख रहे हैं ना सब लोग भाई, तो रखने चाहिए रोज़े भी भाई, रमज़ान है। तो आपका भाई आपके साथ एक और व्लॉग लेके आ गया है। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं K9 माइक की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि K9 माइक हर बंदा यूज़ कर रहा है, हर यूट्यूबर टिकटॉकर आजकल के दौर में यूज़ कर रहा है। उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो मुझे भी लगे थे, मैंने भी यूज़ किया तो मुझे फील हुआ कि यार उसके ड्रॉबैक्स हैं, वो अटैच नहीं हो रहा था, उसकी टाइप सी केबल थी। तो उसी के लेके आज मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर आपको उसका भी हल बताएंगे कि कैसे वो ठीक हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ भाई, उस लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो लाजमी कर दें भाई, जिससे आपके हाथ तो नहीं दुखने वाले, हमारा थोड़ा भला हो जाएगा भाई। खैर चले मिलते हैं अपने व्लॉग में। जी भाई लोग, जैसे आपको बताया कि अपने माइक की ओपनिंग करने वाले हम लोग, जो माइक हमने मंगवाया है अभी मार्केट से, ये K9 माइक है, आप लोगों के सामने ही है, आप लोग देख सकते हैं। K9 माइक है, नॉर्मल है, जैसे K8 भी सेम टू सेम ही है। तो अभी इसकी ओपनिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या कुछ निकलता है। अभी हम इसकी ओपनिंग करते हैं, इसका नॉर्मल सा बॉक्स, और बॉक्स अच्छा है इसका काफ़ी, और ये चाइना का है माइक। तो अभी हम लोग इसकी ओपनिंग करते हैं, ये देखें इसके अंदर से ये निकला है। अभी आप लोग देख सकते हैं, ये माइक है एक, मैंने क्योंकि इसकी पहले ओपनिंग की हुई है मुझे इसलिए सारा पता है। ये इसका कनेक्टर हो गया और ये हो गया, अगर आपने आईफोन के साथ कनेक्ट करना है इसको, ये सेम आईफोन वाली पिन है, ये आप चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम आईफोन वाली पिन है ये इसकी। यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा बैक से, उसकी टाइप सी केबल, और ये आगे से आपको आपका आईफोन के सेम टू सेम रहेगा, आईफोन की केबल है ये निकलेगा इसके साथ। और ये हमारा सिंगल माइक है, क्योंकि एक डबल होता है K8, या इसमें डबल की सीरीज़ भी आती है, मतलब आप डबल माइक भी मंगवा सकते हैं और सिंगल भी मंगवा सकते हैं। और ये जो है इसके अंदर आपकी टाइप सी केबल होगी छोटी सी, इसके साथ दी हुई, जिससे आप लोग चार्ज कर सकते हैं। बाकी ये नीचे मैनुअल बुक भी है, आप नज़र आ रही है इसके नीचे पड़ी हुई है मैनुअल बुक, और उससे भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना। बाकी अच्छी क्वालिटी है यार, मुझे फील नहीं लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, दराज से मैंने मंगवाया है, आप लोग भी मंगवा सकते हैं। मेन चीज़ें हमारी तो ये हैं, टाइप सी केबल मोबाइल में लग जाएगा, और ये इसका ये आप देख सकते हैं पावर ऑन बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको जब ऐसे दबा के रखेंगे, होल्ड करेंगे तो ये चल पड़ा, ये देखें ये ब्लिंक कर रहा है, ये सही है। तो इसकी बैटरी वैटरी इतनी खास नहीं होती है, मोबाइल के साथ जब कनेक्ट हो जाता है तो उसकी बस चलने लग जाता है ये। अभी हम इसको बंद करते हैं, मैं आपको, ये सीधी टाइप सी केबल आपके मोबाइल में लग जाएगी, ये इसके अंदर भी इसका कनेक्टर, ये इसकी लाइट है, ये दिख रही होगी, ये जलती है जब ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे इसका चार्जर भी आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, चार्जिंग के थ्रू चार्जर भी करता है ये। तो बैटरी का तो ऐसा कोई नहीं है इसका सीन, बैटरी तो नहीं है इसके अंदर। खैर अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कनेक्ट कैसे करना है सिंपली। ये नॉर्मली कनेक्ट हो जाएगा, इसको आप अपनी ये शर्ट वगैरह के ऊपर, कमीज़ वगैरह पे, किसी भी चीज़ पे सेट कर सकते हैं इस माइक को। और ये इसके ऊपर लगा हुआ ऐसे, और ये नॉइस रिडक्शन है, यानी कि आपकी जो वॉइस होगी बिल्कुल उसको क्लियर कर देगा। ये नॉइस कैंसिलेशन भी है इसके अंदर, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके, हैवी वॉइस देता है ये आपको, आपने देखा होगा यूट्यूबर ने ये लिया होता है या टिकटॉकर ने ये लिया होता है। तो अभी हम जाएंगे आगे, तो मैं अभी आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। जब हम ये कनेक्ट करते हैं ना इसको, तो ये यूज़ नहीं होता, और नॉर्मली हर मोबाइल के अंदर फंक्शन तक कई होते हैं जो डायरेक्ट चल पड़ते हैं जिसको कनेक्ट करने से, लेकिन ये वाला जो है ये डायरेक्ट नहीं चलेगा। इसको मैं बताता हूँ आपको चलेगा कैसे, मेरे पास अपना ओप्पो का मोबाइल है, उसमें यह डायरेक्ट नहीं चलता। आप लोगों के पास मैं भी यह मसला कर रहा हूँ, मैं आपको अभी इसका इशू बताता हूँ कि कहाँ से ये इशू सॉल्व होगा। मुझे खुद यूट्यूब के ऊपर मैंने काफ़ी सर्च किया है, लेकिन नहीं मिल पा रहा था इसका ना कोई मसला, तो मैंने ढूंढा है, मैं आपको बताता हूँ अभी ये कैसे सॉल्व होगा। जी तो भाई लोग, ये हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, भी मैं आपको दिखाते हैं हम आपको कि कैसे आपने अपनी कनेक्ट करनी है डिवाइस। ये सेटिंग्स ऑन कर लें, नॉर्मल हर मोबाइल के अंदर सेटिंग होती है, वही सेटिंग ऑन कर लेनी है। और इसके अंदर ये OTG कनेक्शन का ऑप्शन होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे, और सर्च के ऊपर जाके हम लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने कनेक्ट करना है अपना मोबाइल।
नॉर्मली कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप OTG लिखें सर्च में, तो OTG का इसके अंदर जहाँ भी होगा वो ऑप्शन सर्च होके यहाँ पे आ जाएगा। ये देखने आ चुका है, OTG का कनेक्शन हमने ऑन कर दिया। तो ये अभी हमारा कनेक्ट हो गया है माइक इसके साथ, और ये ग्रीन लाइट हो गई इसकी और उसकी रेड लाइट है कनेक्टर की, तो अभी ये चलने लग गया है। बस यही थी भाई हमारी वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो भाई कैसी लगी आप लोगों को वीडियोस हमारी? अच्छी थी वीडियो मेरे हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा हैवी बनाई है मैंने अपने लिए। तो खैर मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही थी यूट्यूब से, तो मैंने ये वीडियो डाल दी आप लोगों के लिए। तो आप यहाँ से देख के अपनी सेटिंग कर सकते हैं मोबाइल की, माइक आपका बिल्कुल अच्छी तरह से चलेगा। भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। सही है भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली अपनी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।